श्री प्रभु शरणम, श्री सतगुरु शरणम, परम आदरणीय राम मुनि महाराज साहब निर्भय जी, राजेश मुनि महाराज साहब एवं साधु भगवान एवं साथी भगवान के चरणों में मैं कोटि सा वंदन करता हूँ श्री माँ शरणम। और आज के इस अहम कार्यक्रम में जबकि परम पूज्य राजेश मुनि जी महाराज साहब का 1600 अभिग्रह पूर्ण हुआ है, उसमें अपनी सहभागिता कर रहे समस्त पुण्यशालियों का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आप सबको वंदन करता हूँ। मैं आज पश्चिम क्षेत्रीय स्थानक श्रावक संघ ने ये जो कार्यक्रम आयोजित किया है, वास्तव में उन्होंने अपनी जवाबदारी का जो निर्वाह किया है वह अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है और इतनी अनुमति है कि उसकी जितनी अनुमोदन की जाए क्यों कि कम है। आज हम एक ऐसे संत जिन्होंने अपने पूरे दिशा काल के अंदर 1600 अभिग्रह पूर्ण किए हैं। मैं पिछले 6-7 दिन से जब मुझे बताया गया कि मुझे यहाँ आना है और अध्यक्षता करना है तो मैं अचंभित था कि इस कार्यक्रम में मुझे क्यों बुलाया जा रहा है, ना तो मैं कुछ जानता हूँ ना समझता हूँ। आदर्श ज्योति जी महाराज साहब को मैं नमन करना चाहूँगा कि जो चीज़ अरबों रुपये में नहीं मिल सकती थी वो मुझे राजेश मुनि जी के कारण आज फ्री में मिली है, मैं उसकी बहुत बहुत ऋणी हूँ। हमारे शास्त्रों में कहीं भी अभिग्रह के कई कार्य हमें इंस्टेंस मिलते हैं। अभिग्रह कौन कर सकता है, अभिग्रह क्या है, अभिग्रह के परिणाम क्या है और अभिग्रह क्यों करना चाहिए। अभिग्रह क्या है, अभिग्रह हम कहें तो स्वयं के द्वारा स्वयं के निर्मित नियम को संकल्पित करते हुए उस कार्य को पूर्ण करना, कितनी बड़ी बात है। दुनिया के अंदर सब चीज संविधानों में और कानूनों में लिखी जाती है, दलाल साहब जानते हैं, और फिर उनका पालन करवाया जाता है। पर अभिग्रह एक ऐसी चीज है जो मनुष्य अपने जीवन में स्वयं अपने लिए नियम बनाता है और उसका कठोरता से स्वयं पालन करता है और उसके परिणाम प्राप्त करता है। और जिसमें भी दो पार्टियां होती है दलाल साहब, एक जिसने अभिग्रह लिया वो और दूसरा अभिग्रह फलित करा रहा है वो। तो अभिग्रह कोई भी कर सकता है। जो व्यक्ति बैठे अपने दिनचर्या में हमेशा करते हैं कि मैं 5 बजे तक ये नहीं खाऊंगा, मैं ये मानता लेता हूँ, मेरे यहाँ पुत्र हो जाएगा तो ये करूँगा, पुत्री हो जाएगी तो ये करूँगा, मकान हो जाएगा तो ये करूँगा, पर ये सब हमारे लिमिटेड होते हैं, एक बार के होते हैं। पर जब 1600 अभिग्रह की बात होती है तो इस पूरी दुनिया में अगर भगवान महावीर के समय से हम इतिहास देखें तो एकमात्र संत हमें दिखाई देते हैं, हमारे राजेश मुनि जी। हम उनकी जितनी वंदना करें, जितना अभिनंदन करें वो कम है। और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग खड़े होकर उनको इस बात से वंदन करके उनका अभिनंदन करें और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें और अपने आप को इस महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और हमारे धार्मिक कार्यक्रम में अपने आप को साक्षी करते हुए इस कार्य को निष्पादित करें। पुनः मैं सबसे निवेदन करूँगा खड़े होकर राजेश मुनि जी को वंदन करें और अभिनंदन करें कि ऐसे संत हमारे समाज में हमेशा हमेशा मिलते रहें। गुरुदेव आपको हम बहुत बहुत वंदन करते हैं, आपने जैन धर्म की जो गौरव बढ़ाया है। ये कार्यक्रम आज सिर्फ पश्चिमी क्षेत्र का नहीं है, ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं सब लोग, ये सिर्फ इंदौर शहर का नहीं है, देखिए सर ये मध्य प्रदेश का नहीं है, ये देश का नहीं है, वरन ये विश्व का आज हमारा आध्यात्म दिवस है, तब दिवस है जिसकी हम अनुमोदना कर रहे हैं। न तो हम
पूर्व में कभी कर पाए हैं और ना भविष्य में कर पाएंगे। तो सिर्फ राजेश मुनि साहब ही इसका रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे और उस दिन हम उसका अभिनंदन कर पाएंगे। तो मैं बात कर रहा था अभिग्रह की। अभिग्रह कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अभिग्रह के कारण आप में आत्मधर्म बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और आपके कर्मों की निर्जरा होती है। और तीसरी चीज मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने अभिग्रह सच्चे हृदय से किया है तो आप अपने जीवन काल में नहीं, मैं अपने जीवन काल की बता रहा हूँ कि आपके देह त्याग के बाद भी वो पूर्ण होता है। ऐसा अवसर राजेश मुनि साहब के कारण मेरे परिवार में आया। 12 मई को मेरी धर्म पत्नी का देह त्याग हुआ। मेरा जन्म खरगोन का हुआ। मैं कुछ समाताएं भी इसके पूर्व बताना चाहता हूँ। केसरी मंदिर साहब ने मेरा दाम्पत्य जीवन बताया था और केसरी मंदिर साहब के कारण ही मेरी शादी बागोद में हुई थी। मेरी धर्म पत्नी भी बागोद निमार से ही थी और उसके मन में यह परिकल्पना थी अपनी छोटी बहन, जिसको हम छोटी कहते हैं, परिवार के सब लोग आए हुए भी हैं, कि छोटी राजेश मुनि साहब का अभिग्रह मेरे घर फलना चाहिए। उसके जीवन काल में वह नहीं हो पाया। अवसर आया उसका उठावना 14 मई को था। हमें नहीं पता गुरुदेव साकेत एरिया में आए हुए हैं। गुरुदेव साकेत एरिया में 3 जगह है, वहाँ उनका अभिग्रह नहीं फला। वहाँ पे मेरे बागवत के ही मित्र थे सुनील जी सांग, उन्होंने बोला गुरुदेव मेरी बहन का देहावसान हो गया है, अगर आप वहाँ पे चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। गुरुदेव सुबह 6 बजे करीब मेरे निवास पे पहुँचे। उस वक्त घर के लोग जैसे हमारी परंपराएं सारी सुनने के लिए जा रहे थे, वो जैसे ही दरवाजे पे पहुँचे गुरुदेव का द्वार में आगमन हुआ। सब लोग रुक गए, पूरा घर भरा हुआ था। गुरुदेव अपना अभिग्रह लेके आए हुए थे, घर में पहली मंजिल पे आए, करीब आधे घंटे तक रुके। उनका अभिग्रह नहीं फल रहा था, वे नीचे आ गए, द्वार के ऊपर वापस जाने लगे। पुनः परिवार के सब लोगों ने उनसे विनंती की कि अंदाता ऐसा नहीं हो सकता है। पता नहीं प्रभु की कृपा थी, गुरु कृपा थी। 5 मिनट तक गुरुदेव दरवाजे पे खड़े रहने के बाद पुनः घर की दूसरी मंजिल के ऊपर प्रस्थान किया। और जो अभिग्रह में एक चीज नहीं मिल रही थी कि कोई भी एक व्यक्ति सामायिक करते हुए मिलना चाहिए। वर्चुअली मेरे घर में सामायिक जब मेरी धर्म पत्नी थी वो रोज करती थी। उस दिन मेरे बहनोई साहब ज्ञानचंद जी बुपकिया, जो धर्मदास ग्रंथ के अध्यक्ष भी थे, वो पिछले 4 माह पूर्व देवलोक हो गए हैं, वो समाई कर रहे थे और वो नीचे उतरे और गुरुदेव का अभिग्रह फला और गुरुदेव ने वहाँ पे बेरा और उसके बाद सारी सोने के लिए गए। मेरा मकसद कहने का ये है कि अगर अभिग्रह कोई भी व्यक्ति करे और उसमें अगर सच्ची श्रद्धा है तो वह आज नहीं तो आपकी देह त्याग के बाद भी फलेगा। ये एक इंस्टेंस नहीं है, मेरे परिवार में दूसरा इंस्टेंस भी हुआ। मेरे बड़े भाई साहब महेंद्र कुमार जी बम सभी समाज में जाते थे, जैन समाज छोड़े, वैष्णव समाज छोड़, सब दूर सभी संतों के पास जाते थे और उन्हें आखिरी के 20 साल सिर्फ गो सेवा, सामूहिक विवाह और जैविक खेती पे व्यतीत किए। वो कई बार आचार्य श्री रत्न सुंदर सुरेश जी महाराज साहब के विनंती किए कि गुरुदेव वर्णनगर में एक चातुर्मास होना चाहिए, एक छोटी सी जगह। उनको भी अचंभा लगा कि कैसे हो सकता है। 8 से 9 साल पूर्व भाई साहब का एक एक्सीडेंट में देहावसान हो गया। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वह भी अभिग्रह उनका जो था वो किस तरह से पला। मैं आपका 1 मिनट का समय और लूँगा और मैं बताता हूँ कि किस तरह से वो फला, आप सुनिए। मुगल हुकूमत तो क्रेडिट चाहता था, मगर सबसे ज्यादा क्रेडिट जिसको जाती थी वो
महेंद्र भाई बाबू जीवने के कार्य से लेकर के नेचर सब कुछ एकदम आसमान पे। जब यहाँ पे मेरे सामने तब आपने मुझे बताने को तो एक चाचमास आपका बंद कर खराब के नहीं रखूंगा। उनके हृदय का भाव और बंद कर चातुर्मास होगा। इंदौर का चातुर्मास यदि किसको क्रेडिट जाती है तो बटनगर से संपूर्ण जाती है, क्योंकि मैं बटनगर आया। आज वही महेंद्र भाई बाबू की स्वर्गारोहण थी, एक अच्छा सुश्रावक, सारे जीवों को बचाने के इनके मन में जो भाव, इनकी आंख में करुणा के निखे में मैंने आंसू अनंत सनक उदार था। क्या 100 रुपया की जुर्मा, 1000 की जुर्मा, लाख के लिए मानसिकता, ऐसे सुश्रावक को आज याद करके हम इनके सरकारी के बहुत बहुत अनुमोदन। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अगर हमारे अभिग्रह में हम भी कर सकते हैं, अगर उसमें शुद्धता है, हमारी श्रद्धा की शुद्धता है, तो वह निश्चित तौर से फलेगा ही फलेगा ही फलेगा ही। हम ऐसे गुरुदेव का आज अभिनंदन करके बहुत अभिभूत हूँ, और मैं सुभाष जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे यह अवसर दिया है। मैं सिर्फ अभी 16 अरब की बात हो रही थी, उनका अभिग्रह फले में ऐसी भावना रखता हूँ, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज 16 अरब से ज़्यादा मैंने कमाया है आज के दिन में। जो मुझे परम पूज्य राजेश मुनि जी ने और सुभाष जी ने प्रदान किया, शायद यह कार्यक्रम आज किसी और जगह होता और साधु की अगर तपस्या का जीवन और ज़्यादा होता, अगर आचार्य और गच्छाधिपति होता, तो मेरा दावा है कि इस अध्यक्षीय भाषण के लिए करोड़ों रुपए की बोली लगती और करोड़ों रुपए के नखरे होते और उसके बाद वो कार्यक्रम होता। ऐसी सहज सरल और सहृदय के व्यक्तित्व के धनी पंडित श्री राजेश मुनि जी के चरणों में मैं नतमस्तक हूँ, और इनका ये ऋण जो कि अब खरबों रुपये में है, मैं कभी नहीं चुका सकता हूँ। और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप सब बहुत पुण्यशाली हैं जो आज इस अवसर पे उपस्थित हैं और आपने इसमें अपनी सहभागिता की। पुनः मैं चाहूँगा कि सुभाष जी के लिए एक बार ताली बजा के अनुमोदना करें कि उन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम किया जो कि आज पूरे समाज की जवाबदारी थी, सिर्फ इंदौर के नहीं, प्रदेश की नहीं, पूरे देश की थी, कि ऐसे 1600 विग्रह करने वाले संत का अभिनंदन और अनुमोदना संयुक्त रूप से करना था। पर इस क्षेत्र के सुभाष जी ने यह कार्य निभाया, इतनी अनुमोदना की जाए कम है, कृपया ताली बजा के उनके अनुमोदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी चीज को अगर किसी को चल लगी, मैं इच्छा में दुकान करता हूँ। जय जय। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।